धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे गुजरात और कश्मीर की दो खबरों को लेकर, और दोनों खबरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ी आ रही है। खबरों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि शर्म इनको मगर नहीं आती। पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, हालांकि अब वो शब्द जबान पर नहीं आता है क्योंकि हार्दिक, कल्पेश और जिग्नेश ने पूरे गुजरात मॉडल की हवा निकाल दी। अब तो ये भी कहना भूल गए हैं मोदी सरकार, मोदी सरकार जबान पर आने लगा है, एनडीए सरकार, क्योंकि 269 सांसद बचे हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो पैरों से जमीन निकल जाएगी। कहा था 30 साल बाद लंगड़ी सरकारों का दौर खत्म हो के मोदी सरकार बनी है, लेकिन ख़त्म होते होते साल वो भी लंगड़ी हो गई, यानी कि लंगड़ी दोबारा से हो गई है सरकार, वो भी बैसाखी के सहारे चल रही है। अगर आज एनडीए का कुनबा छोड़ दे, जैसे जम्मू कश्मीर में पीडीपी छोड़ के चली गई है, अगर जेडीयू भी छोड़ के चली जाए, शिवसेना छोड़ के चली जाए, तो इस लंगड़ी सरकार को बचाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। हालांकि आखिरी साल है, लोग सरकार गिराएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर सरकार गिरा दी तो सिंपैथी जा जाके पब्लिक में रहेंगे, देखो हमारी सरकार गिरा दी, हमारी सरकार गिरा दी। लेकिन आप देखिएगा कि 30 साल बाद मजबूत सरकार बनी और वो भी साल ख़त्म होते होते पाँचवें साल में आके लंगड़ी सरकार हो गई। चलते हैं, क्या खबर आ रही है हमारे पास। हमें मुफ्त में अगर शराब दोगी तो हम तुम्हें अवैध रूप से शराब बेचने की इजाज़त देंगे। दोबारा से सुनिए, गुजरात के अंदर शराब बंदी है, वहाँ शराब नहीं बिक सकती है, लेकिन बताते हैं बावजूद इसके शराब का कंजम्पशन वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, स्वराज की शराब की खपत वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या कह रहा है, भाजपा का एक नेता कह रहा है एक महिला से जो अवैध रूप से शराब बेचती है कि अगर हमें हर महीने शराब की एक पेटी देती रहोगी तो हम तुम्हें अवैध रूप से शराब बेचने की इजाज़त देंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम हमें शराब देती रहो। महिला ने विरोध किया, बताया गया कि महिला के साथ अश्लील बातें भी की गई फ़ोन पे कर करके इस नेता द्वारा। तो लेकिन जब इस महिला ने शराब देने से मना कर दिया और वो जो अश्लील बातें कर रहा था उसका रिएक्शन जो है दिया, तो इस नेता को नागवार गुजरा और ये नेता वहाँ पहुँचा और इस महिला और उसकी 19 साल की बेटी के साथ इसने मारपीट कर दी। ठीक है, तो ये मारपीट करने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है इस नेता के खिलाफ और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नेता फरार है, बीजेपी के विधायक का बयान आया है और उसने कहा है कि अगर आरोपों में सच्चाई पाई गई तो इस भारतीय जनता पार्टी के नेता को इसके पद से हटा दिया जाएगा। नौसारी शहर के जालापुर वार्ड से भाजपा का काउंसलर है आरोपी नेता भूपत दूतत के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। और महिला जिसने FIR दर्ज कराई उसकी बेटी स्वीति पटेल, उसका आरोप है कि नेता जो है उसकी माँ को फ़ोन करके परेशान कर रहा था और अवैध रूप से शराब मांग रहा था। तो ये देखिए चरित्र कहाँ से बदलेगा, चाल चरित्र चेहरे की बात करना, लफाजी बात करना, लेकिन अंदर से कैसे बदलेंगे हम, अंदर से तो आदमी वही रहेगा ना जी। दूसरी खबर अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, आपको पता ही है, लाल सिंह साहब वही हैं जिनके भाई राजेंद्र सिंह ने क्या बोला था महबूबा मुफ्ती को, FIR दर्ज होगी तो भाग गया वो, जाके छिप गया राजस्थान के उदयपुर में, लेकिन पुलिस गई जम्मू कश्मीर की और पकड़ के गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया। तो इसके कई सारे छाले हैं लाल सिंह के, तो लाल सिंह के छाले ये भी हैं कि उसके भाई को जेल में डाल दिया। लाल सिंह का छाला एक ये भी है जो फूट रहे हैं कि उसको मंत्री पद से हटवा दिया गया। क्या बयान दिया है, क्योंकि अब वहाँ पर सरकार गिर चुकी है, महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, PDP बीजेपी की सरकार है, वो गिर चुकी है, तो अब केंद्र में यानी कि बीजेपी का वहाँ पे एक तरीके से शासन हुआ पूरा। तो अब क्या कह रहा है ये, इसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कहा पत्रकारों को, देखो तुमने कठुआ वाले मामले में, कठुआ वाला मामला आप जानते हैं ना, 8 साल की बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, दुर्दशा जो उसकी की गई और उसके बाद उसकी हत्या की गई, उसमें जो धर्म विशेष के कुछ लोग हैं, उस वाले मामले में कह रहा है कि मीडिया ने, तुमने बहुत कुछ किया है उस वाले मामले में, क्योंकि ये दबाने छिपाने में लगे हुए थे, मीडिया ने सच लिखने की कोशिश की। कह रहा है अगर उस वाले मामले में अब भी नहीं सुधरे, क्योंकि ये लाल सिंह अभी भी और गंगा प्रकाश जो पूर्व मंत्री है वो अभी भी CBI जांच की मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में कठुआ में, कहा कि मीडिया अगर अभी भी नहीं सुधरा तो उन सब का हाल सुजात बुखारी होगा जैसा होगा। सुजात बुखारी को आप जानते हैं, राइजिंग कश्मीर के संपादक थे वो, और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साफ कहा है कि अगर नहीं सुधरे तो उनके जैसा हाल होगा। तो अब ये देखिए कि कहाँ से इतनी ज़रूरत आ रही है,
अगर आपने कहा था कि हम सारे गुंडा एलिमेंट को ठिकाने लगा देंगे इसलिए हम वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा रहे हैं, लेकिन अपने जो ये मंत्री विधायक हैं जो इस तरीके की गुंडई भाषा बोल रहे हैं इन पर कब लगाम लगाएंगे? ये तो और गुंडे हो गए, इन्हें तो अब लग रहा है तो सरकार का शासन नहीं है वहाँ पे, राज्यपाल का शासन है, राज्यपाल का शासन है तो केंद्र सरकार का शासन है और केंद्र में सरकार आपकी बैठी है जिस पार्टी से आप विधायक हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये किस तरीके की भाषा बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नेता लाल सिंह और पत्रकारों को कैसी धमकी दे रहा है? कोई एक लाइन की टिप्पणी ना केंद्र की ना प्रदेश की भाजपा सरकार की तरफ से आ रही है, ना हाईकमान की तरफ से और ना प्रदेश के जो पार्टी है उस स्तर से कोई आ रहा है और ना मोदी सरकार से आ रहा है। तो दो खबरें थी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को दिखाती हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे फिर किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।